सो गाइस, ये है 10 मिनट वीडियो का थर्ड एपिसोड, जिसमें हम सीखेंगे कि हम इस टाइप का आर्टिस्टिक अट्रैक्टिव बैनर कैसे बना सकते हैं ओनली इन फोटोशॉप। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपना ऑलरेडी एक इमेज ओपन किया हुआ है, इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है। अब हम इस बैकग्राउंड को अपने डॉक्यूमेंट में ले जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर साइज का डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इतना सही है। अब हम इसको वो आर्ट लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्शन का यूज़ करेंगे, मगर उससे पहले हम एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका कॉपी ले लेते हैं और डबल क्लिक करके हम इसमें ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो इसके क्लोथ्स के अकॉर्डिंग है, तो हमने इसके क्लोथ्स के अकॉर्डिंग ग्रेडियंट लिया था। अब हम यहाँ पर एक्शन यूज़ करेंगे। जिस लेयर पे भी आपको एक्शन अप्लाई करना है, पहले उस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए, देन आप एक्शन में जाइए। और मेरा ये एक्शन यहाँ पर ऑलरेडी है ऑल पेंट्रो, तो हम यहाँ पर एक्शन प्ले करेंगे। अगर आपको एक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको एक्शन कैसे यूज़ करना होता है सब बताया हुआ मैंने। मैं उसका लिंक आई बटन पे भी दे दूंगा, सो प्लीज़ सबसे पहले वो वाली वीडियो देखिए। तो यहाँ पर ये एक्शन अप्लाई हो गया है। अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कम करेंगे, इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। ओपेसिटी हम इतनी लेंगे कि ज़्यादा ना हो, तो हम इसकी ओपेसिटी 50% ले लेते हैं। ठीक है, ये 50% मैंने ओपेसिटी ले ली है इसकी। मेरे पास एक टेक्स्ट है, मैं वो टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर गिव एन आर्टिस्टिक लुक टू योर ब्यूटी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक टाइपोग्राफी का भी स्टाइल देंगे। अगर आपको नहीं पता कि टाइपोग्राफी का स्टाइल कैसे देते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, प्लीज़ वो भी आप देख सकते हैं। हम ये अलग अलग कर देते हैं सबसे पहले। और जो ये फॉन्ट है और जो फाइल है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे ही इसका लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी मेरे वीडियोस होती हैं, उन सब के फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे ही होता है। ठीक है, तो हम इसमें मेरा मेन वर्ड जो है वो आर्टिस्टिक है, तो हम आर्टिस्टिक को सबसे पहले नीचे ले आते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिव एन को सेट करेंगे। प्लीज़ अगर आपने टाइपोग्राफी की वीडियो नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ वो देखिए ज़रूर, क्योंकि उसी से ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें मैं ग्लिप्स भी यूज़ करूँगा, तो ग्लिप्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो फिर आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब ये एस जो है, मैं इसको भी इसमें ग्लिप दे दूँगा, ये वाला एस है, तो मैंने एक ग्लिप यहाँ दिया है। और एक सी में दे देता हूँ, सी में मैं ये वाला दे देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गिव एन आर्टिस्टिक लुक, लुक को हम यहाँ सेट कर देते हैं, लुक टू योर, इट्स योर है योर। और इसमें आर में भी मैं एक ग्लिफ सेट कर देता हूँ, आर हम ये वाला ले लेते हैं। अब इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि यहाँ पर स्टक हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर कैप्चर हो रहा है, गिव एन आर्टिस्टिक लुक टू योर ब्यूटी। अब मेन ब्यूटी वर्ड भी है, ब्यूटी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और आर्टिस्टिक से थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर भी सेट हो गया, थोड़ा सा नीचे रखेंगे इसका वाई जो है, इसमें भी हम ग्लिप दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं ग्लिप। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें जो मेन वर्ड है हमारा आर्टिस्टिक ही है, तो गिवन बाकी जो वर्ड्स हैं उनके हम कलर्स को चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड के हिसाब से लेंगे।
ये थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा हम इसका डार्क लेंगे, इतना सही है। ओके प्रेस कीजिए। अब इसमें ये पूरा आर्ट लुक है, तो हम टेक्स्ट को भी खाली नहीं छोड़ेंगे, टेक्स्ट को भी थोड़ा सा आर्ट लुक दे देंगे। आर्टिस्टिक जो वर्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक स्ट्रोक दे देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, पर ये ज़्यादा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा कम करेंगे। हम 2 पिक्सल का स्ट्रोक दे देते हैं वाइट कलर का, और ऐसे ही हम ब्यूटी में दे देते हैं। ब्यूटी को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ और थोड़ा सा ऊपर करें, इतना सही है। ऐसे ही मैं ब्यूटी में डबल क्लिक करके स्ट्रोक दे दूँगा, मैं यहाँ से स्ट्रोक दे दिया ये, ठीक है। अब ये जितना भी टेक्स्ट है हमारा, इन सबको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि हम इसके बराबर ला सकें। अभी ये बहुत आगे लग रहा है, तो हम इसको साइड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं कर देता हूँ इसको साइड, और इसको ग्रुप कर लेते हैं हम, ताकि बार बार मूव करना पड़े तो ख़राब ना हो हमारा, ठीक है। गिव एन आर्टिस्टिक लुक टू योर ब्यूटी, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं। इतना सही है, ताकि हमारा थोड़ा सा भरा भरा लगे, क्योंकि खाली हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक ग्रुप बना करके इसको कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, और जो नीचे वाला लेयर जो है आपका, नीचे वाला जो लेयर है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। टेंशन मत लीजिए, ख़राब नहीं होगा। उसको बड़ा करने के बाद उसकी हम क्या करेंगे, ओपेसिटी कम कर देंगे। इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, और इसका मोड भी हम चेंज कर देंगे, ओवरले ले लेते हैं, ओवरले अच्छा लग रहा है। ओपेसिटी हम अराउंड 12 के ही रखेंगे, 12 या 13 रखेंगे, 12 सही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसकी आइज देखिए, ठीक है इतना। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊँगा, इतना सही है, ठीक। अब लास्टली आप अपना लोगो लगा सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने अपना लोगो लगा लिया है। लोगो का कलर ऑब्वियसली हम चेंज करेंगे, यहाँ पर भी डबल क्लिक करके कलर ओवरले किया, वाइट लेंगे हम, और मेरा सोशल मीडिया का आइकन भी है तो हम वो भी ले आते हैं, छोटा करेंगे इसको, और इसको हम कलर ओवरले कर लेते हैं वाइट और ब्लैक कलर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसके बराबर ले आएंगे लोगों को, ठीक है इतना। लास्टली आपको पता ही है आप सबको कि मैं क्या करता हूँ, आखिरी में मैं एक कलर लुकअप देता हूँ, और इसमें मैं दूंगा अपना 3 स्ट्राइप, तो देखिए थोड़ा सा एक अलग इफेक्ट आ जाता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर बैनर। तो देखा आपने कि हम सिर्फ 10 मिनट में इस टाइप का आर्टिस्टिक लुक बैनर कैसे बना सकते हैं। सो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और देखनी हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग डेस्पिक्स। थैंक यू सो मच।